गाइस गुड इवनिंग। और आज हम लोग आए हैं बैजनाथ घूमने के लिए जस्ट ऐसी इवनिंग में। शाम को यहाँ पे अच्छा सा ताल है तो घूमने में अच्छा लगता है, ठंडी हवाएं चलती हैं तो अच्छा फील होता है। बहुत टाइम से मैं भी बेरीनाग थी और कल ही मैं आई हूँ बागेश्वर, तो इस वजह से मैंने कहा आज दीदी लोग बोल रहे थे, मैंने कहा चल लेते हैं। देते हैं कि आज का जो बैजनाथ का व्यू है वो किस तरीके का है, बाकी बैजनाथ को लेकर जो मान्यताएं हैं और जिस तरीके से बैजनाथ एक फेमस धामों में से एक है, तो वो सारी चीज़ें तो पहले ही आप लोगों के नॉलेज में है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत और चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, और पहले मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ यहाँ से कि कैसा अभी बैजनाथ का व्यू लग रहा है। हमने दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे अभी फोटो शूट चल रहा है। पहले हमारा आज सुबह आने का प्लान था बट धूप की वजह से हम लोग नहीं आ पाए, और भैया ने बोला कि शाम को हम लोग जाएंगे। और शाम को आने का जो प्लान था ना हमारा, सीरियसली बहुत अच्छा था क्योंकि मौसम इतना प्यारा है अभी यहाँ पे, बहुत अच्छा, मतलब दिल को सुकून देने वाला ऐसे मौसम की मैं तलाश कर रही थी, वो मुझे अभी बैजनाथ में मिल गया है शाम के टाइम पे, शाम के 5:30 बजे। बैजनाथ धाम की स्थापना जो है वो हजारों साल पहले कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर की थी, और गरुड़ तहसील के अंतर्गत ये धाम आता है। और दूसरी चीज़, गरुड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है, वहीं कौसानी से आपको 17 किलोमीटर की दूरी पे ये बैजनाथ धाम पड़ेगा। बैजनाथ धाम को लेकर आज तक कई क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं और कई क्वेश्चन भी आते हैं बैजनाथ को लेकर। और सबसे मेन बात यह है कि बैजनाथ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये धाम आता है। और जो यहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं, ऐसा माना जाता है कि जो वो मछलियाँ हैं वो मतलब इंसानों के साथ घुल मिल के अपना जीवन यापन कर रही हैं, क्योंकि जब यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने तो वो उन्हें चारा खिलाते हैं, जब चारा खिलाते हैं तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे वो इंसानों के साथ घुल मिल के रहते हैं। अगर आप बैजनाथ आते हैं तो जो मंच है, मंच के ठीक सामने से यहाँ पर से आप लोग बोटिंग कर सकते हैं और जो झील है उसका मज़ा ले सकते हैं। बोटिंग के साथ ही आपको जाबिंग बॉल भी यहाँ पे मिलेगी जिसका आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं।
एक चीज़ और, जाबिंग बॉल और बोटिंग दोनों का यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपये टिकट है। सो उस टिकट में आप जो झील है उसका एक राउंड लगाएंगे। बैजनाथ में घूम रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाए। तो अभी हमारे साथ मंदिर समिति के सदस्य हैं दीवान गिरी गोस्वामी जी, तो उनसे जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें वो इस मंदिर के बारे में बताएंगे आप लोगों को। जी, ये प्राचीन मंदिर जो है 9वीं से 12वीं सदी के मंदिर है, तो ये बताते हैं कि ये मंदिर जो है टोटल 18 मंदिर है, 18 मंदिरों का समूह है। ये यहाँ के राजा थे कत्यूरी राजा, कत्यूरी राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब दंतकथाओं में ये कहते हैं कि ये मंदिर जो है एक ही रात में बनाए गए मंदिर है। और दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ जब शंकर जी की बारात हुई थी तो एक रात यहाँ नाइट होल्ड यहाँ रुके थे बताते हैं। तब से यहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी का जोड़ा है। पार्वती जी जो है सिंगल रूप में 5 फीट की मूर्ति है, उसी में लघु मूर्तियाँ 26 आगे अगल बगल में लगी हुई है, जो स्टैंडिंग मूर्ति पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो उसकी विशेषता यहाँ पर इसलिए बताते हैं कि जब शंकर जी की बारात हुई थी एक रात यहाँ रुकी थी। और जो शंकर जी लिंगाकार में है वो स्वयंभू लिंग है। अच्छा। जो नीचे लिंग है इसमें ये भी बताते हैं कि जब पूरा तत्व ने अपने अंडर में लिया था, इसकी खुदाई की थी चारों तरफ, तो उसके निकलते जा रहे थे तो नीचे फिर बाद में पानी निकल गया तो फिर वैसे ही बंद कर दिया, तो इसलिए उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने किया कि ये स्वयंभू लिंग है। तो इसको ये बताते हैं कि इसी लिंग को देख के जो यहाँ के राजा थे कत्यूरी राजा, असली में वो जोशीमठ के हुआ करते थे। अच्छा। उनकी जो राजधानी असली थी तो जोशीमठ में थी। तो अब ये बताते हैं कि उनको जब कोई सपना हुआ वहाँ पर राजा लोगों को, तो यहाँ आके उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। तो दूसरी विशेषता ये है कि ये मंदिर जो है नागर शैली में बनाए गए मंदिर। अच्छा। तो ये एक ही रात के बनाए गए मंदिर है। टोटल वैसे इसमें हर मंदिर में पहले जो हुआ करती थी मूर्तियाँ हुआ करती थी, तो इसमें मेन मंदिर जो है केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण और ब्राह्मणी देवी और बैजनाथ शंकर जी के, उसमें मेन मंदिर जो है इसमें स्थापित है। बाकी जो है इनकी मूर्तियाँ गवर्नमेंट ने हटा दी। अब ये सुरक्षा नहीं हो पाती चोरी के डरों की वजह से, तो गवर्नमेंट ने एक जगह इकट्ठी रखी हुई है। अच्छा। तो अब बाद में भविष्य में कभी संग्रहालय बनेगा या म्यूजियम बनेगा तो विभाग उसको उसमें रखेगा। अच्छा। फिर उनको वहाँ पे उनका जो है स्थापना की जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमाऊनी ऐपण होते हैं वो यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं मंच में, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह भी देखी होगी, तो ये मैं आपको बता दूँ ये बैजनाथ में है। अच्छा पार्किंग एरिया भी बैजनाथ के पास में बनाया गया है, जिसको हमारे जो लोकल का स्टोन होता है, पहाड़ का जो पत्थर होता है उसका, उससे और तकनीकी का इस्तेमाल करके इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है।
अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और दूसरी चीज़ ये है कि इवनिंग में मैं पहले कभी भी यहाँ पे नहीं आई थी बैजनाथ में। हम लोग जब भी आए थे सुबह या दिन में आए थे तो वो वाला मौसम हमने यहाँ पे देखा हुआ था, लेकिन जो इवनिंग वाला मौसम है वो सीरियसली बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और बहुत प्यारा मौसम यहाँ पे है। और अगर आप लोग अपने काम से थक चुके हैं और थोड़ा सा सुकून चाहते हैं और अपना माइंड रिफ्रेश चाहते हैं तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बैजनाथ ज़रूर आएँ और यहाँ पे जो शाम का मौसम है उसको आप लोग फील करें। और दूसरी चीज़, गर्मियों का मौसम यहाँ पे चल रहा है तो गर्मियों के मौसम में मोस्टली बाहरी राज्यों से और जनपदों से लोग यहाँ पे आते रहते हैं लगातार। और अभी भी काफ़ी भीड़ मंदिर में थी शाम के टाइम भी, और न्यू मैरिड कपल भी यहाँ पे आते रहते हैं घूमने के लिए, तो बहुत लोग आते हैं। और बेसिकली अभी गर्मियों का मौसम है इस वजह से भी लोग ठंडे इलाकों में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही खासियत है कि बैजनाथ का मौसम अभी बहुत प्यारा है तो इस वजह से यहाँ पे लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप बैजनाथ में नए हैं और बागेश्वर में नए हैं, बैजनाथ घूमना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और होटल वगैरह और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिलेंगी। बहुत हम लोग बैजनाथ में घूम लिए हैं और मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं, मछलियों को चारा भी खिला दिया है। बोटिंग अभी हम लोगों ने करनी नहीं है क्योंकि पहले भी हम लोग कर चुके हैं तो बार बार एक ही चीज़ को करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। सो अभी हम लोग बस एक इवनिंग वॉक के तौर पे यहाँ पे आए हुए थे। वैसे बैजनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे जहाँ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इवनिंग वॉक की तरह यहाँ पर घूमने आए हुए थे तो एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बैजनाथ के बारे में उसमें देने की कोशिश करी है। ग्वालदम वाली रोड है, ग्वालदम वाली रोड पे लेक साइड करके एक रेस्टोरेंट है और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे कुल्लड़ वाली चाय मिलती है। बागेश्वर के अंदर कुल्लड़ वाली चाय बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि जब हम लोग बाहर को जाते हैं तो मुझे कुल्लड़ वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे कुल्लड़ वाली चाय मिली तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। बात ये है कि यहाँ पे कुल्लड़ वाली चाय भी मिलती है और साथ में गर्मियों के टाइम पे कुल्लड़ वाली लस्सी भी मिलती है और जो बहुत ज्यादा टेस्टी है।
यहाँ पे लेक साइड के जो ओनर है वो हमारे साथ हैं, राजेंद्र सिंह एठानी जी। और जो आपकी कुल्लड़ वाली रेसिपी है ना, वो सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि बागेश्वर में बहुत कम देखने को मिलती है। और क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे बनती हैं? हमारे वहाँ पे मोमोज हैं, मोमोज की कई वैरायटी मिल जाएंगी आपको। मोमोज हैं, स्टीम मोमोज तो हैं ही, वेज नॉन वेज पनीर, इसमें फिर करी, इसमें है आपका ग्रेवी मोमोज मिल जाएंगे, पैन फ्राइड मोमो मिल जाएंगे, और अफगानी मोमो, तो मोमोज की कई वैरायटियाँ मिल जाएंगी। और नूडल्स भी कई वैरायटी में हमारे पास, और पहाड़ी खाना जो हमारा जो थाली सिस्टम है वो भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट जितने आपको रेसिपी होती है सारे आप कवर करते हैं, फास्ट फूड से लेके और पहाड़ी खाना? बिल्कुल, टोटल टोटल। और जो कुल्लड़ वाली रेसिपी है सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और थैंक यू सो मच कुल्लड़ वाली चाय और वो लस्सी के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो अभी लेक साइड में हम लोग मोमो खाने के लिए रुके हुए थे, और हमने यहाँ पे मोमोज वगैरह भी खा ली, बहुत सारी बातें भी होगी। अब हम चलते हैं घर। चलो बाय बाय। आज का मेरा जो सफ़र था वो बहुत मज़ेदार रहा और बहुत अच्छा लगा आज के सफ़र में, और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है बैजनाथ का वो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूँ और ख़ुद भी बैजनाथ के बारे में थोड़ा सा जान सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।